हम लोगों को निकालना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वी हैव टू फाइंड इट सॉल्यूशन बाय मेकिंग यूज ऑफ मेथड, पर्टिकुलर मेथड है. उस मेथड का नाम क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल, इसको कुछ लोग कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ. अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास दो वेरिएबल है आबिद, मुझे बताओ कौन कौन, वाई एंड एक्स. कोई बोल सकता है वाई का नेचर डिपेंडेंट? डिपेंडेंट, वेरी गुड. व्हाट इज एक्स? इंडिपेंडेंट. तो बेटा आपने कहा सर इसमें दो वेरिएबल है, वाई इज डिपेंडेंट, एक्स इज इंडिपेंडेंट. अब आबिद मुझे बताना व्हाट इज दिस डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना. अब मैंने इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को ऐसे लिखा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, व्हाट इज दिस होल, कोई कह सकता है आप में से कोई? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स इंटू जी वाई, कोई कह सकता है व्हाट इज दिस? चलो छोड़ो, आप में से मुझे कोई बताओ व्हाट इज दिस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, व्हाट इज दिस? डिफरेंशियल इक्वेशन. क्यों? क्वेश्चन व्हाट इज दिस, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, यही मेरा क्वेश्चन है. व्हाट इज दिस? आप लोगों ने कहा दिस इज डिफरेंशियल, वाई बिकॉज ये डिफरेंशियल क्वेश्चन. अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा? देखो आपने कहा सर डी वाई मीन डिपेंडेंट वेरिएबल, डी एक्स मीन इंडिपेंडेंट. तो आपने कहा डी वाई के साथ वाई वाले टर्म ले लो, जी वाई नीचे लिया, और एफ एक्स इसके साथ डी एक्स को लेके जाओ. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड मीन्स डी वाई के साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल वाले टर्म्स लेके जाऊंगा और एक्स के साथ में लूंगा इंडिपेंडेंट, दैट इज डी एक्स. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को हटाने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? इंटीग्रेशन. तो पहला स्टेप है हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, किससे? नेचर से. डिपेंडेंट को डिपेंडेंट के साथ, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट, एंड आफ्टर देन टू फाइंड द सॉल्यूशन वी विल मेक यूज ऑफ इंटीग्रेट बोथ एंड वी विल गेट लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स. अब हमें इसकी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए, वी गेट द सॉल्यूशन. दिस इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो यहां पे मैं एग्जांपल पे ही चलूंगा, तो आप लोग बोलेंगे शायद बोलना कौन किसके साथ चलेगा. आपने कहा सर दिस इज डी वाई डिवाइड बाई वाई नीचे आएगा है ना, एक्स के साथ क्या आएगा? डी एक्स. शायद इसके बाद स्टेप इंटीग्रेट, आपने इंटीग्रेट बोथ साइड्स किया, तो आप लोगों ने कहा ये बनेगा इंटीग्रल डी वाई बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ये आपको सभी को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स. हमारे पास इस वक्त क्या है? डी वाई बाई वाई, तो लॉग वाई आएगा. इंटीग्रेशन इज लॉग वन. कोई मुझे बोल सकता है एक्स की इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस कांस्टेंट एंड इज द सॉल्यूशन ऑफ इट. बस दिस इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. राइट डाउन दिस वेरिएबल सेपरेबल मेथड. इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. हम लोग लड़का को या जेई मेंस सेलेक्ट एक्सरसाइज 9.4 है ना. क्वेश्चन नंबर वन. हाँ बोलना बेटा, क्या है? डिवाइड बाई डी एक्स. हाँ इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स. हाँ डिवाइड बाई वन प्लस कॉस एक्स. वन प्लस कॉस एक्स. जब आपने क्वेश्चन देखा ना मकसूद, इसमें एक ही वेरिएबल घूम रहा है ना. इस पूरे एक्सरसाइज में एक वेरिएबल घूम रहा है, दैट इज एक्स. तो आपने कहा कि एक्स वाले को मैं एडजस्ट करूंगा डी एक्स के साथ, वाई को एज इट इज. आप लोगों ने कहा सर दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कोई आप में मुझे कह सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वन माइनस? वेरी गुड, वन माइनस कॉस थीटा टू वाई साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. हमारे पास थीटा की जगह क्या है इस वक्त? तो टू वाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू. वेरी गुड, टू वाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू. टू एंड टू, आप लोगों ने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस. साइन बाई कॉस टेन, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू. इज इट इट? आप लोगों ने कहा डी वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और इसके साथ डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल मेथड. आप मुझे बताना इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स. आपने कहा इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दिस इज इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स. इज इट इट? सर इसकी इंटीग्रेशन इजी है, डी और वाई कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन वाई इज इक्वल. अब बेटा आप फंस गए, टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे निकालते? हाँ इसको हम ब्रेक करेंगे, टेन स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपने कहा हमारे पास सर फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है बराबर सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू है ना. तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस वन. तो यही यहाँ आपने किया, आपने कहा इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इंटू डी एक्स. इज इट इट? आपने कहा सर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अलग
माइनस डी एक्स अलग। मैंने आपको ये सिखाया अगर बीच में प्लस हो गया माइनस अलग अलग करेंगे वाई इज इक्वल सेट की इंटीग्रेशन कोई कह सकते हैं सेट स्क्वायर की टेन एक्स, तो ये बनेगा टेन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू क्योंकि वन बाई टू अगर ये वन बाई टू चाहिए तो ये टू बनेगा टू टाइम्स और डी एक्स और ये कैंसिल तो इसकी माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ओके राइट डाउन दिस वाला बेटर सी हुई नहीं 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 बेटा थोड़ा हार्ड वर्क कर लो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर टू। हाँ बोलना क्या है डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स। हाँ बोलो रूट आ हाँ फोर माइनस वाई स्क्वायर ये है ना अगेन जब आपने देखा ना एक ही वेरिएबल है इसमें वाई है ना क्योंकि अदरवाइज जीरो बनेगा दैट इज कंडीशन। तो आप लोगों ने कहा सर अगर हम इसको ऐसे देखेंगे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोई दिक्कत है ना। तो आपने कहा वाई को हम वाई के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा डी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। सॉल्व कैसे करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जब मैंने इंटीग्रेट बोथ साइड किया इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है डी और ये कैंसिल होगा जिससे एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब मुझे आप में से कोई बोलो ये फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाइए यूट्यूब पे जाना देखना स्टैंडर्ड फार्मूला पे लेक्चर डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब हमारे पास इस वक्त एक्स की जगह क्या है वाई ए की जगह क्या है टू तो आपने कहा यह बनेगा साइन इनवर्स वाई बाई टू है ना। तो आपने कहा सर वाई बाई टू इज इक्वल टू साइन को वहां शिफ्ट करेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस सी है ना। तो आपने कहा वाई का आंसर आएगा टू टाइम साइन ऑफ एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ ये फॉर्मूला होनी चाहिए अनुमान। ओके राइट डाउन इंटीग्रेशन तो शायद इसमें आपने देखा डी वाई भी है डी एक्स भी है। सर अगर ये डी एक्स है ना इसके साथ चलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स तो टेन वाई इसके साथ भी प्रॉब्लम है मेरे पास। अगर ये सर डी एक्स है इसके साथ चलेगा टेन एक्स सेक्स स्क्वायर भी प्रॉब्लम है ना। तो अब आप लोगों को माइंड लगाना है मुझे एक्स को डी एक्स के साथ लेके जाना है वाई को डी वाई। तो आपने कहा सर कैन वी राइट दिस लाइक दिस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स इजंट इट। ऐसा कीजिए एस डी वाई ये दोनों जगह डी एक्स नहीं हो सकता डी वाई सर डी वाई लास्ट ये वाला डी वाई ना। आप ध्यान से देखना सभी लोग देखेंगे बिल्कुल। आप लोगों ने कहा सर अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइड बाई टेन वाई वाई के साथ वाई वाले एक्स के साथ अब आपको पता है इसके बाद हम कहते हैं इंटीग्रेट। आपने कहा इंटीग्रेट बोथ तो ये बनेगा इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइड बाई टेन वाई। अब बेटा इंटीग्रेशन आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोगों ने कहा सर हम अगर हम ऐसे करेंगे दोनों के लिए मैं रूल दिखाऊंगा पुट टेन एक्स इज इक्वल टू जी टेन की डिफरेंस क्या होती है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जी। तो सर ये जो क्वेश्चन है ना ये चेंज होगा ऐसे डी जी डिवाइड बाई जी इक्वल टू माइनस टाइम्स सपोज टेन वाई को मैंने रखा टी तो ये बनेगा डी टी डिवाइड बाई टी आगे टी बने सर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स होता है लॉग ये बनेगा लॉग जेड इज इक्वल टू माइनस लॉग टी और प्लस लिखा आपने कांस्टेंट लॉग सी क्योंकि इस वक्त लॉग में चल रहा है इसलिए मैंने कांस्टेंट भी लिखा लॉग में। आपने कहा सर ये बनेगा लॉग जी प्लस लॉग टी इज इक्वल टू लॉग सी सर ये लॉग एम प्लस दैट इज लॉग एम एन लॉग जेड टी इज इक्वल टू लॉग सी लॉग एंड लॉग एन के लॉग कैंसिल तो जेड टी किसके बराबर मिला सी के बराबर। किसी को पता है जेड का वैल्यू क्या है टेन एक्स तो ये बनेगा टेन एक्स टी का वैल्यू है टेन वाई इज इक्वल टू सी है नजर राइट डाउन दिस। सिर्फ इतना याद आऊंगा मुझे नहीं आ रही आवाज।
क्वेश्चन नंबर बेटा टैन कितना पर एक्स कितना हाँ बोलो बोलो बेटा आपने कहा अगर हम सर इसको ऐसे लिखेंगे एरियस पावर एक्स प्लस एरियस पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू एरियस पावर एक्स माइनस एरियस पावर माइनस इंटू डी एक्स इज इट इट हमारे पास सिर्फ काम चलता है किससे एक्स वाले से क्योंकि इसमें वाई कहीं नहीं है तो हम डी वाई को अलग लिखेंगे ये बनेगा एरियस पावर एक्स माइनस एरियस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एरियस पावर एक्स प्लस एरियस पावर माइनस इंटू डी एक्स आप इस सालों कैसे करेंगे इंटीग्रेट से तो आपने कहा इंटीग्रेट बोथ तो डी वाई का आएगा वाई अब मसला फंस गए हम इसके एरियस पावर एक्स माइनस एरियस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एरियस पावर एक्स प्लस एरियस पावर माइनस डी एक्स हाँ नीचे वाले को पुट करेंगे ना पुट एरियस पावर एक्स प्लस एरियस पावर माइनस एक्स इक्वल टू जी एरियस पावर एक्स की डिफरेंशिएशन एरियस पावर एक्स एरियस पावर माइनस का है माइनस एरियस पावर एक्स और डी एक्स का आएगा डी एक्स है ना एक्स की और डी जेड तो ऊपर वाला बन गया डी जेड नीचे वाला बन गया जेड तो आपने कहा ये बनेगा डी जेड डिवाइड बाई जेड दैट इज लॉग ऑफ जेड है ना तो बेटा आपने कहा वाई का वैल्यू मिलेगा लॉग ऑफ एरियस पावर एक्स प्लस एरियस पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है ना रिजल्ट ये बहुत ईजी है बट करना है आपको इस वक्त आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसमें कंडीशन दी है क्या कंडीशन दिया है बेटा बोलो ना y इक्वल टू जीरो y जीरो है कब x इक्वल टू टू जब x का वैल्यू टू है ना तो आप लोगों ने कहा सिंपली सर मैं वेरिएबल से अपने सॉल्व कर हम सर इसको लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स है ना इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना आप लोगों ने कहा दिस इज dy वाई इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है ना ए स्क्वायर माइनस बी तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अब हमें इंटीग्रेट करना है आपने कहा दिस इज इंटीग्रेशन डी वाई का आएगा वाई अब आप फंस गए दिस इज इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन को सॉल्व करने के लिए उमर आप लोगों को ये करना है वन डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इसको हम लिखते हैं ए डिवाइड बाई एक्स बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन सी डिवाइड बाई एक्स माइनस वन फिर याद आया ए का वैल्यू निकालने के लिए इसका डिनोमिनेटर जीरो करेंगे बी का वैल्यू इसके डिनोमिनेटर सी का निकालने के लिए इसका डिनोमिनेटर तो जब ए बी सी का वैल्यू निकलेगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे ये बनेगा लॉग एक्स ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन जो भी तो उसके बाद हमें एक्स को कौन सा वैल्यू देना है वाई का वैल्यू क्या मिलेगा जीरो तो वहां सी का वैल्यू मिलेगा कर सकते हो तो मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन भी याद आएगा तो अब ध्यान से देखना सभी लोग बिल्कुल सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे आप बोर्ड पे तो आप लोगों ने कहा सर जो ये क्वेश्चन है ना पहले उतारो बेटा यहां तक अब आपने कहा सर क्वेश्चन हमारा यहां पर अटक गया वन डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन जैसे है ना तो आपने कहा ए ए के साथ क्या है एक्स तो एलसीएम में बचा क्या एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन है ना तो आपने कहा इसको है बचेगा क्या x माइनस क्योंकि एलसीएम मुझे चाहिए ना तो आपने कहा a के साथ आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन है ना बेटा बोलो b के साथ क्या आएगा ये हटेगा x और x प्लस x माइनस वन एक्स इंटू एक्स माइनस वन बोलना बेटा c के साथ x इंटू एक्स प्लस वन ए मुगोशी मैंने कुछ नहीं किया मुझे एलसीएम ये चाहिए एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस इसके पास क्या है एक्स बचेगा ये दो है ना अब मुझे आपने कहा ये इक्वेशन है हमें ए का वैल्यू निकाला हम करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये जो गिवन इक्वेशन आपको मिली ना हमें ए का वैल्यू निकालना तो हम इसका डिनोमिनेटर एक्स को करेंगे किसके बराबर ये वाली टर्म भी जीरो बनेगी ये भी जीरो क्योंकि इसमें एक्स है तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको आपने कहा यहाँ से बचेगा हमें वन इक्वल क्योंकि ये तो वन रहेगा ना पूरा क्योंकि हमने एलसीएम लिया इन सारे में ये आएगा ना नीचे एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ये और ये कैंसिल होगा तो यहाँ से वन बचेगा ना वन
तो ए एज इट इज एक्स का वैल्यू कितना देना है जीरो, ये माइनस वन और ये प्लस वन, तो आपने कहा सिंपली ए इज इक्वल टू माइनस वन, ए का वैल्यू कितना है माइनस वन। अब मुझे बताओ आप में से कोई बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे जल्दी, बी वाली पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना आएगा माइनस वन, इसमें एक्स प्लस वन ये भी बनेगा जीरो, इसमें भी एक्स प्लस वन ये भी बनेगा जीरो, बचेगा ये वाले टर्म है ना। आपने कहा यहाँ से आएगा वन इक्वल टू बी का वैल्यू है एक्स का वैल्यू माइनस वन और एक्स का वैल्यू माइनस वन माइनस टू, ये बनेगा बी का वैल्यू वन बाई टू, क्योंकि टू वन सा टू को नीचे आएगा। निकालो आप लोग सी का वैल्यू पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू वन, ये बनेगा वन इक्वल टू सी इज इक्वल टू वन इंटू टू, तो सी का वैल्यू आएगा वन बाई टू पक्का। ए का वैल्यू वन माइनस वन, बी का वैल्यू वन बाई टू, सी का वैल्यू वन बाई टू। तो बेटा आपने कहा जो हमारा क्वेश्चन था डीआर फोर वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, दैट इज सर ए डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स है ना, प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी के साथ क्या था एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। कोई बोलो ए का वैल्यू माइनस वन निकाला आपने, तो माइनस डी एक्स बाई एक्स, बी का वैल्यू कितना है वन बाई टू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, सी का वैल्यू कितना है वन बाई टू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन है ना। आपने कहा सर डी एक्स का दिस इज माइनस लॉग एक्स, दिस इज वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है ना, दिस इज प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस प्लस कॉन्स्टेंट सी वाई का वैल्यू ये मिला है ना। लेकिन इस वक्त सर हमारे पास कंडीशन है हमें एक्स का वैल्यू क्या देना है टू, वाई का वैल्यू क्या देना है जीरो, अगर वाई को जीरो देंगे से भी देंगे, वाई को मैंने जीरो दिया ये बनेगा माइनस लॉग टू, एक्स का वैल्यू टू देना ना प्लस पूछो आप एक्स का वैल्यू टू ही देना ना प्लस वन बाई टू ये बनेगा लॉग थ्री और प्लस वन बाई टू ये बनेगा लॉग वन, दो में लॉग वन होता है जीरो, लॉग वन होता है जीरो, इनको इन दो को हम एडजी हमें जो ये है ना प्लस सी, ये हमें सी का वैल्यू मिला, वो सी का वैल्यू यहाँ पर सब करेंगे दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बाकी मुझे कुछ नहीं करना ठीक है। ओके राइट डाउन दिस।